दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप बिटकॉइन समेत किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं या पैसा लगाने जा रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को लेकर किसी राहत की खबर का इंतजार है तो इस एपिसोड को अंत तक देखें। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश नहीं है और ना ही मैं किसी को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की सलाह देता हूं। मैं ये सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश आप अपने आर्थिक सलाहकार की सलाह से ही करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना काफी जोखिम भरा है और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जान लीजिए, तब आपको ताजा अपडेट बताऊंगा। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सब क्रिप्टो करेंसी कहलाते हैं। ये ज्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इनका डंका बज रहा है। यह ना तो सोना है, ना ही शेयर, ना ही म्यूचुअल फंड और ना ही निवेश करने लायक कोई प्रोडक्ट, लेकिन लोग खासकर युवा इसमें जमकर पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं और कुछ गंवा रहे हैं। दूसरी तरफ ये रुपया, डॉलर, पाउंड, येन, रूबल की तरह किसी देश की कानूनी मान्यता प्राप्त करेंसी भी नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग और कंपनियां सामान या सेवा लेने देने के लिए इसका लेन देन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दरअसल क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके मोबाइल, लैपटॉप, नेटबुक, कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। जैसे रुपया को कानूनी मान्यता मिली है, उस तरह से क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं मिली हुई है और न ही किसी देश ने इसे निवेश के तौर पर या फिर लेन देन के लिए कानूनी मान्यता दिया है। इसमें निवेश करने पर या इसके साथ गड़बड़ी होने पर कोई भी कानून या रेगुलेटर या देश सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। लोकप्रिय होने के बावजूद क्रिप्टो करेंसी के साथ यही सबसे बड़ा जोखिम है। जैसे शेयर बाजार, बैंक, पेंशन स्कीम वगैरह का रेगुलेटर होता है, उस तरह से क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेटर नहीं होता है। हालांकि दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसी कारोबारी इसको लेकर साफ साफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत में हालांकि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन और उससे हुई कमाई पर सरकार टैक्स तो वसूलती है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता देने से हिचक रही है। लेकिन दुनिया के ताकतवर 20 देशों जिसे G20 कहते हैं, जिसमें कि अमेरिका, चीन, रूस, भारत जैसे देश भी शामिल हैं, क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी कुछ पॉजिटिव हो रहा है। वैश्विक संस्थाएं जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले और उसमें निवेश करने वालों के अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको बता दो कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना होता है। भारत में भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और दुनिया भर में काफी सारे क्रिप्टो एक्सचेंज है। अमेरिका में तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज शेयर बाजार पर भी लिस्ट है और उसके शेयरों की आप खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। चलिए अब असली खबर की तरफ बढ़ते हैं, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये ऐसी खबर है जिसे सुनकर जानकर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वाले, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले झूम उठेंगे। तो चलिए अपडेट की बात कर लेते हैं। दरअसल मोरक्को के माराकेश शहर में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों यानी G20 FMCBG की 13 अक्टूबर तक बैठक चली। भारत ने इसकी अध्यक्षता की। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास बैठक में शामिल हुए। मराकेश में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक समूह यानी WBG की सालाना बैठक भी इस दौरान हुई। G20 FMCBG ने क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े G20 रोड मैप को स्वीकार करने की घोषणा की। बैठक में साथ ही क्रिप्टो एसेट्स को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं बैठक के बाद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या। देयर आर जस्ट 3 अदर पॉइंट्स ऑन व्हिच आई विल ब्रीफली हाईलाइट द प्रोग्रेस। क्रिप्टो एसेट्स, द न्यू दिल्ली लीडर्स समिट, द IMF FSB प्रेजेंटेड द सिंथेसिस पेपर ड्यूरिंग द लीडर्स समिट, इंटीग्रेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी व्यू पॉइंट्स व्हिच वाज वेल रिसीव्ड बाय द लीडर्स। Furthermore, the G20 finance ministers and CBG, central bank governors meet, were mandated to discuss the roadmap laid out by the synthesis paper at the 4th FMCBG meeting that was
2023 now, in Marrakesh meeting that this morning also, members adopted this roadmap as the G20 roadmap on crypto assets. So clearly from the discussion, a big step forward is for this meeting to have adopted the roadmap on crypto assets, G20 roadmap. So this one has called for swift and coordinated implementation of this G20 roadmap, including implementation of the policy frameworks, outreach beyond G20 jurisdictions, global coordination, cooperation, and information sharing, and addressing data gaps. All this has been part of the suggested roadmap, and which is what has been adopted. Going forward, regular updates on the roadmap's progress will be provided by the IMF and the FSB in our meetings. Regulatory space also has a lot of action, but I'm not elaborating on that now. अब सवाल है कि क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े G20 रोडमैप क्या है और क्रिप्टो करेंसी कारोबारियों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है, ये जानना जरूरी है। तो रोडमैप में क्रिप्टो करेंसी पर एक मुश्त प्रतिबंध नहीं लगाने की बात कही गई है, यानी अब ये बात साफ हो गई है कि G20 के देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। रोडमैप में एक मुश्त प्रतिबंध लगाने के बजाय क्रिप्टो करेंसी कारोबार पर व्यापक निगरानी की वकालत की गई है। साथ ही नियामकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने, क्रिप्टो करेंसी कंपनियों के लिए पूरी तरह से शासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और अधिकारियों को इन व्यवसायों द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक डेटा तक पहुंच सुनिश्चित करने जैसी बात शामिल है, यानी क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेटर बनाने की बात कही जा रही है जो कि क्रिप्टो करेंसी कारोबार पर निगरानी रख सके। भारत के क्रिप्टो करेंसी कारोबारियों ने कहा है कि G20 FMCBG के दौरान लिया गया फैसला प्रगतिशील नियम और क्रिप्टो विशिष्ट दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण देश में उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा, यानी सराहना की है, तारीफ की है क्रिप्टो करेंसी कारोबारियों ने। भारत में स्थित क्रिप्टो कंपनियों को अगले 18 महीनों के भीतर एक क्रिप्टो नियामक प्राधिकरण देखने की उम्मीद है जो विनियमन लागू करने और पर्यवेक्षण करने के लिए नियामकीय क्षमताओं से मजबूत होगा। तो उम्मीद करें कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जल्द साफ साफ रेगुलेटर बनेगा ताकि इसके कारोबारियों और निवेशकों को किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन इस एपिसोड से या फिर पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।